तो कन्नौज में 20 मई को मतदान है, लेकिन जनता क्या हिंट दे रही है, देखिए प्रियंका की रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका शर्मा और हम आ गए हैं इत्र नगरी यानी कि कन्नौज में। और जब कन्नौज की संकरी गलियों में पहुंचते हैं तो यहां पर इत्र के अलावा लजीज व्यंजनों के भी ऐसे ठेले आपको जगह जगह मिल जाएंगे। और हम आ गए हैं बाबू टी स्टॉल पर, लोगों से हिंट लेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ चुनावी हिंट मिल रही है, किसको जिता रहे हैं, किसको हार चखा रहे हैं। अभी बताइए क्या हिंट दे रहे हो इस बार? इस बार बस कमल खिलेगा। क्या हिंट मिल रहा है इस बार? इस बार तो अखिलेश जी जीतेंगे। कौन यहाँ पर जीत दर्ज कर रहे हैं? अरे यहाँ तो सुब्रत पाठक जीत रहे हैं। वोट किसको दी जा रही है इस बार? वोट देखो जी, मैं तो साइकिल पे देता हूँ वोट। साइकिल पे चलेगी इस बार? ये फूलों की माला कौन से सांसद को पहनाओगे, जीत की माला? माननीय सुब्रत पाठक जी को पहनाएंगे। क्या हिंट दे रहे हो? यहाँ तो भाजपा सरकार बनेगी। बनेगी 100% बनेगी, 400 पार बनेगी। तो इस बार क्या मन बनाया? वो अखिलेश यादव जी निकलेंगे यहाँ से। कन्नौज की जनता हिंट दे रही है और ये बता रही है कि आखिर इस बार जो मतदान है वो किस मुद्दे पर होगा। हिंट तो दे दी है, लेकिन थोड़ा और लोगों से हिंट ले लेते हैं। इस जगह का जो वैभव है वो बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया में उसका गुणगान किया जाता है। लेकिन राजनीतिक अगर मुद्दों पर हम बात करें तो क्या हिंट मिल रही है? अखिलेश यादव जीतते हैं। युवाओं का क्या मानना है कन्नौज में? कन्नौज में मानना है मैडम जी कि जब भाई अखिलेश जी यहाँ से जीतेंगे तो युवाओं के लिए कुछ करेंगे। कन्नौज में विकास की लहर है, विकास। हिंट विकास की हिंट दे दी है। कन्नौज इत्र नगरी कही जाती है, यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहर भी हैं और ऐसे में दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं, इत्र खरीदने भी आते हैं। और इन संकरी गलियों में ट्रैफिक अक्सर लग जाता है, लेकिन यहीं से तय होता है दिल्ली जाने का रास्ता कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। बीजेपी के सुब्रत पाठक और सपा से अखिलेश यादव एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, बसपा का भी उम्मीदवार है। देखना होगा किस पर जनता ज्यादा भरोसा अपना जताती है।